तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी सीन्स में। सोचिए कैसा होगा अगर हम मरने के बाद भी ना मरे, क्योंकि हमारे दिमाग को बचाकर एक रोबोट की बॉडी में फिक्स कर दिया जाए। अरे बड़ी अजीब सी बात है। आज की मूवी जंग ई में हम ऐसा ही कुछ देखेंगे। ये मूवी फ्यूचर की है जब क्लाइमेट चेंज होने की वजह से सी का लेवल इतना ज्यादा राइज हो गया था कि ह्यूमन स्पेस को अपना घर बनाने का डिसाइड करते हैं। अर्थ और मून के ऑर्बिट के बीच में शेल्टर्स बनाए जाते हैं और सभी ह्यूमंस को वहां पर शिफ्ट किया जाता है। कुछ शेल्टर्स के लोग इन सब को अपने आप से अलग करते हैं और अर्थ और बाकी शेल्टर्स पर अटैक कर देते हैं। इससे एक नया वॉर शुरू हो जाता है। उन्हें हराने के लिए जो ह्यूमंस अर्थ पर हैं, वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके नए हथियार बनाने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि ढेर सारे रोबोट्स इधर उधर पड़े हुए हैं और उन्हीं के बीच में जंग ई नाम की औरत होश में आती है। वहाँ कुछ रोबोट्स आकर उसे शूट करने की कोशिश करते हैं, जिनसे वो काफी देर तक लड़ती है और उन्हें मार गिराती है। तभी वहाँ डॉग जैसा रोबोट आकर जंग ई को शूट करता है। उनके बीच लड़ाई होती है जब वो देखती है कि स्पेस में भी वॉर चल रहा है। वो किसी तरह रोबोट को भारी मटेरियल्स के नीचे दबा देती है और उसकी बैटरी पर शूट करने ही वाली थी कि उसकी नज़र एक डॉल पर पड़ती है और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। इतने में कुछ रोबोट्स उसे शूट कर देते हैं, जिससे वो गिर जाती है। वो देखती है कि उसके हाथ रियल नहीं है और ये देखकर वो हैरान हो जाती है। हमें एक अलार्म सुनाई देता है और वो फ्रीज हो जाती है और ये जगह एक छोटे से रूम में चेंज होने लगती है। जंग ई एक वायर से कनेक्टेड है। वहाँ तीन लोग आते हैं जो बात करते हैं कि हर बार इसी पॉइंट पर आकर ये मर जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पर उनकी टीम लीडर यून आती है। ये लोग जंग ई की वायर हटाते हैं, जिसके बाद वो उनके साथ चलती है। जंग ई को एक लिफ्ट में भेजा जाता है जहाँ उसकी बॉडी के पार्ट्स हटने लगते हैं और जब वो एक रूम में पहुँचती है तो उसकी बॉडी का सिर्फ ऊपर वाला पार्ट हमें दिखता है। अगले सीन में हम सांगो को देखते हैं, जो कि क्रोनॉइड कंपनी का डायरेक्टर है। ये काफी ज्यादा फनी इंसान है। आज आर्मी के ऑफिशियल्स आने वाले हैं इनके प्रोजेक्ट को देखने के लिए, जिसके बाद डिसाइड होगा कि ये कंटिन्यू करेंगे या नहीं। इसी की तैयारी ये लोग कर रहे थे। सभी ऑफिशियल्स आते हैं और उन्हें एक क्लिप दिखाई जाती है कि किस तरह अर्थ डिस्ट्रॉय होने लगी थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि जंग ई जब जिंदा थी तो वो एक वॉर हीरो थी, जिसने काफी सारे वॉर्स जीतने में हेल्प की थी। उसके ढेर सारे मिशन सक्सेसफुल हुए थे, इसी वजह से जंग ई उस टाइम की काफी फेमस सोल्जर थी। इसीलिए आम लोग भी उसके फैंस थे और उसे काफी पसंद करते थे। लेकिन 35 साल पहले उसका एक मिशन फेल हो गया था, जिससे वो कोमा में चले गई थी। उसके बाद क्रोनॉइड कंपनी ने उसके ब्रेन का डाटा कॉपी किया और इसकी हेल्प से वो लोग एक बहुत एडवांस कॉम्बैट एआई बना रहे हैं, जिसके पास जंग ई की खतरनाक कॉम्बैट स्किल्स और उसके जैसी लॉयलिटी और डिटर्मिनेशन भी होगी। और इसी प्रोग्राम को हम जंग ई के नाम से जानते हैं। यून, जो कि जंग ई प्रोजेक्ट की टीम लीडर है, वो असल में कैप्टन जंग की बेटी है। ये सारे ऑफिशियल्स इन सब बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। ऑफिशियल्स कहते हैं कि जंग ई अगर वो मिशन कम्प्लीट कर देती तो वॉर 40 साल पहले ही ओवर हो चुका होता। वो लोग इस प्रोजेक्ट पर कई सवाल उठाते हैं, लेकिन यून उन्हें बिलीव दिलाती है कि उनका एआई जरूर कामयाब होगा। वो चाहती है कि लोगों को आज भी उसकी माँ पर प्राउड फील हो। अगर वो लोग चाहते हैं कि उनका प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाए तो उसके लिए उन्हें पहले इस आखिरी स्टिमुलेशन को कंप्लीट करना होगा, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ क्रोनॉइड कंपनी के चेयरमैन का पोर्ट्रेट होता है, जिसे देखकर डायरेक्टर कहता है कि ये काफी महान इंसान है। यून की माँ के मरने के बाद चेयरमैन ने ही उसकी जिम्मेदारी ली थी। अब यून और एक आदमी लैब में जाते हैं, जहां वो जुंग के माइंड को एक्टिवेट करते हैं, जिससे वो उठ जाती है लेकिन काफी दर्द में होती है। जुंग देखकर काफी हैरान होती है कि उसके हाथ पैर नहीं है। वो दर्द से काफी चिल्ला रही थी। यून उसके पेन लेवल को डिक्रीज कर देती है। जुंग पूछती है कि मेरी बॉडी कहाँ है। यून को अपनी माँ के लिए बुरा लग रहा था। जब जुंग काफी ज्यादा चिल्लाते हुए घबराती है तो यून उसे डीएक्टिवेट कर देती है और जुंग वैसी की वैसी रुक जाती है। वो ये वाले ब्रेन को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देती है, जिसके बाद उसके ब्रेन से उसका डाटा हटा दिया जाता है और ब्रेन भी निकाल दिया जाता है। वो आदमी यून को बताता है कि जब यून की माँ जिंदा थी तो वो उसका काफी बड़ा फैन था, लेकिन यहाँ यून रिवील करती है कि उसकी माँ ने उसकी वजह से आर्मी ज्वाइन करी, क्योंकि बचपन में यून को लंग्स का कैंसर था और इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, और सिर्फ पैसों की वजह से उसकी माँ ने वॉर में पार्टिसिपेट किया ताकि उसकी बेटी का ट्रीटमेंट हो सके। उसे हमेशा से डर था कि उसकी जान बचाने के लिए कभी उसकी माँ की जान न चले जाए, और जिस दिन उसका ऑपरेशन था उसी दिन जंग का आखिरी मिशन था जिसमें वो मारी गई। यून के मन में सिर्फ एक सवाल रह गया कि क्या उसकी माँ को इस बात का रिग्रेट होगा कि उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ये आदमी उसे कहता है कि तुमने अभी फिर अपनी माँ से पूछा क्यों नहीं। यून हैरान होती है कि उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। अब यून एक ट्रेन में बैठती है जो कि काफी ज्यादा एडवांस ट्रेन है। अर्थ पूरी तरह से बदल चुकी थी। ट्रेन में एक माँ अपनी बेटी से रोते हुए कहती है कि वो जल्दी वापस लौट कर आएगी, जिससे उसे अपने पास्ट की याद आती है। हम पास्ट का सीन देखते हैं कि जिस दिन यून की सर्जरी थी उस दिन उसकी माँ उसे प्रॉमिस करके गई
चाहती थी कि वो जल्दी वापस आएगी। वो जाते हुए उसे हग करके उसके गाल पर अपना गाल मिलाते हुए जाती है। यून एक डॉक्टर के पास जाती है जहां पर उसे पता चलता है कि उसका कैंसर वापस आ चुका है और उसके पास अब सिर्फ 3 महीने का समय बचा है जिसके बाद वो मर जाएगी। वो उसे ऑफर करता है कि यून अपने ब्रेन का डाटा एक AI बॉडी में ट्रांसफर कर सकती है जिससे वो मरने के बाद भी जिंदा रहेगी। वो उसे 3 टाइप के प्रोसीजर्स के बारे में बताता है जिसमें टाइप ए में उसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह है सभी राइट्स दिए जाएंगे जो कि काफी ज्यादा महंगा है। टाइप बी में गवर्नमेंट के पास आपके ब्रेन का डाटा एक्सेस करने की हमेशा परमिशन रहेगी और टाइप सी के बारे में तो यून खुद भी जानती है कि इसमें आपके ब्रेन को कंपनी जैसे चाहे वैसे यूज कर सकती है जिसका मतलब कि आप जिंदा तो होंगे लेकिन उनके गुलाम बनकर रहेंगे। और टाइप सी प्रोसीजर बिल्कुल फ्री है। यून की माँ को भी टाइप सी वाला प्रोसीजर दिया गया था इसीलिए कंपनी उसे अपने अकॉर्डिंग यूज करती है। यून कहती है कि वो सोच कर बताएगी। ये डॉक्टर खुद भी एक AI ही था। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब जुंगी की माँ के पास नोरॉइड कंपनी से कुछ लोग आए थे जो उसे समझाते हैं कि उसकी बेटी अब नहीं बचेगी इसीलिए वो उसे कन्विंस करते हैं कि वो उसके ब्रेन के क्लोन्स बनाकर वॉर के लिए यूज करेंगे। अगर वो इस एग्रीमेंट को चूज करती है तो वो यून की पढ़ाई और बाकी चीजों का खर्चा उठाएंगे। बस इसी वजह से उसकी माँ इस चीज के लिए एग्री करती है। यून के पास एक औरत आती है जो उसे उसकी माँ की सोल्जर वाली डॉल देते हुए कहती है कि उसकी माँ एक हीरो है और इस प्रोसीजर की वजह से वो हमेशा हीरो कहलाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुंगी के AI का अगला टेस्ट होता है। असल में ये टेस्ट उसके लास्ट मिशन की सेम टू सेम कॉपी है जिसमें वो मारी गई थी। अगर ये AI उस मिशन की कॉपी को कंप्लीट कर देता है तो जंग ई प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल जाएगा लेकिन हर बार वो सेम पॉइंट पे आकर ही मारी जाती है। ये 18th टेस्ट होता है जिसमें डायरेक्टर चाहता है कि इस बार टेस्ट की शुरुआत पैर पर गोली मारने से करनी चाहिए। ब्रेन में पेन वाला पोर्शन रेड से शो होता है। पैर पर गोली लगने की वजह से ब्रेन में रेड कलर अलर्ट हो जाता है। वो उन सभी रोबोट्स को मारती है और ग्रीन वाला पार्ट रेड वाले पार्ट को कवर करने लगता है लेकिन आखिरी में उसे रोबोट पकड़ लेता है और उसका पेन बढ़ने लगता है लेकिन अचानक कुछ अजीब होने लगता है। एक अनआइडेंटिफाइड एरिया उसके ब्रेन में एक्टिवेट होता है और वो सबको मारने लगती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि वो काफी तेजी से सबको मार रही थी लेकिन अचानक उसके सर पर गोली लगने की वजह से वो मर जाती है। इस अनआइडेंटिफाइड एरिया को येल्लो कलर करने को कहा जाता है। डायरेक्टर को लगता है कि अब उनका AI कामयाब होने की राह पर है। जुंगी के ब्रेन के डाटा के क्लोन से उसके कई सारे AI बनाए जाएंगे जिसका काम काफी तेजी से चल रहा है। डायरेक्टर से मिलने के लिए कंपनी का चेयरमैन आया है जिससे मिलने वो दोनों जाते हैं लेकिन अचानक रूम में एंटर होते ही डायरेक्टर फ्रीज हो जाता है और यून देखकर शॉक हो जाती है जब उसे पता चलता है कि वो एक AI है। रूम में चेयरमैन यून से मिलता है जो कि काफी फनी इंसान है। जब यून चेयरमैन को बताती है कि उनका प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है तो चेयरमैन कहता है कि अब उन्हें उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वॉर में अब दोनों साइड्स के बीच कॉम्प्रोमाइज हो चुका है इसीलिए AI प्रोजेक्ट को हम वॉर की बजाय किसी घरेलू कामों के लिए यूज करेंगे और ये लैब भी बंद हो जाएगी। यून ये सुनकर काफी निराश होती है क्योंकि वो अपनी माँ के प्रोजेक्ट से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड थी। यहाँ हमें पता चलता है कि चेयरमैन ने काफी साल पहले खुद के ही ब्रेन का डाटा कॉपी करके एक AI रोबोट बनाया था जो कि असल में ये डायरेक्टर है। डायरेक्टर चेयरमैन का ही AI वर्जन है लेकिन उसे ये बात नहीं पता। चेयरमैन डायरेक्टर को दोबारा ऑन करता है और उसकी बातें सुनकर काफी तेज तेज हंसते हुए कहता है कि वो काफी फनी है। एक तरह से वो अपनी ही तारीफ कर रहा है। दोबारा से टेस्ट होता है जिसमें जंगी का AI उसी पॉइंट पर आकर मरता है जहां रियल जंगी मरी थी। डायरेक्टर काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि हर बार यही क्यों होता है। वो लोग लैब में जाते हैं जहां जंगी को उठाया जाता है और वो दर्द से रोने लगती है। अब डायरेक्टर का सब्र टूट चुका था क्योंकि वो येलो वाला पार्ट इस बार शो नहीं हुआ इसीलिए वो कहता है कि उसके हाथों को काट दिया जाए। यून ये सुनकर काफी ज्यादा डर जाती है। उसके हाथ काट दिए जाते हैं जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होता है लेकिन येलो वाला एरिया अभी भी शो नहीं होता तो वो अंदर जाकर उसके पैर में गोलियां मारने लगता है ये सोचकर कि येलो वाला पार्ट शो होगा लेकिन कुछ नहीं होता। यून फाइनली कहती है कि आज के लिए काफी है। डायरेक्टर गुस्से में उस पर गन तान देता है और यून भी बिना डरे उसके सामने खड़ी रहती है कि उसे चेयरमैन का बुलावा आता है और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद यून अकेले एक रूम में बैठी होती है जब उसे एक नोटिफिकेशन आता है जिसे देखकर वो एक टीम मेंबर के रूम में जाती है। अंदर जाकर वो देखती है कि उसकी माँ का AI वहाँ पर बिना कपड़ों के खड़ा था। वो उसे ढक देती है और कुछ देर शॉक होती है और फिर गुस्से में उस आदमी की गर्दन पकड़ लेती है। वो आदमी बताता है कि उसे ऑर्डर्स मिले थे कि जंग ई प्रोजेक्ट बंद हो चुका है इसीलिए अब उस AI को सेक्स टॉय के लिए टेस्ट किया जाए। ये सुनकर यून का दिल फट जाता है और वो रोने लगती है। वो आदमी उसे कहता है कि उसकी माँ का AI टाइप सी है इसीलिए उसे वो जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। यून की नज़र अपनी माँ की डॉल पर पड़ती है और वो रोते हुए वहां से चली जाती है।
दूसरे रूम में डायरेक्टर भी उदास होता है क्योंकि उनके प्रोजेक्ट का एंड हो चुका है और अब उन लोगों को वहां से जाना होगा। डायरेक्टर को गुस्सा भी था क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए उसने काफी मेहनत की थी लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। यून टेस्ट से पहले अपनी माँ के एआई के पास जाकर उसका पेन वाला सेक्शन बंद करती है ताकि उसे पेन ना हो और फिर उसे एक्टिवेट करती है, जिसके बाद जुंगी उड़ जाती है। इस समय जुंगी कोई एआई नहीं बल्कि रियल जुंगी है। यून उससे अनजान बनकर बात करती है। वो उसे झूठ कहती है कि उसका मिशन कंप्लीट हो चुका है और वो अब मरने ही वाली है। वो उसे दिलासा देती है। जब जुंगी भी इमोशनल हो जाती है, यून उसे डीएक्टिवेट करने ही वाली थी तभी उसकी माँ उसे रुकने के लिए कहती है और अचानक उसके ब्रेन में येलो कलर दिखने लगता है। यून हैरान हो जाती है। जुंगी सैड होकर उससे कहती है कि उसकी बेटी की आज सर्जरी थी तो क्या वो सर्जरी सक्सेसफुल हुई। येलो वाला पार्ट बढ़ने लगता है। वो कहती है कि वो इस वॉर के बाद जल्दी से अपनी बेटी के पास जाना चाहती थी। यून रोते हुए उसे बताती है कि उसकी बेटी की सर्जरी सक्सेसफुल हो गई थी। उसकी माँ भी रोने लगती है। हमें पता चलता है कि उसकी बेटी ने उसे एक डॉल दी थी लेकिन लड़ाई के दौरान उससे वो कहीं खो गई थी। यून ये सुनकर रोने लगती है कि उसकी माँ उसे आज भी उतना ही प्यार करती है और यही डॉल है जिससे लड़ाई के समय जुंगी डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। वो उससे और बात कर रही होती है कि यून उसे डीएक्टिवेट करके काफी देर तक काफी तेज तेज रोने लगती है। उसे ये भी पता चल चुका था कि येलो वाला पार्ट उसके ब्रेन में तब शो होता है जब वो उसे याद करती है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जब एक लास्ट ट्रायल होगा और यून इस दिन के सिमुलेशन को खुद स्टार्ट करना चाहती है। वो सबसे पहले उसके येलो वाले पार्ट को डिलीट कर देती है। वो उसे एक्टिवेट करने से पहले उसके कान में उसे अलर्ट रहने को कहती है। आखिरी सिमुलेशन शुरू होता है और दोबारा वो काफी देर सबको मारती है लेकिन आखिर में वो दोबारा उस जगह पर आकर मर जाती है। इस बार डायरेक्टर को वैसे भी उम्मीद ही नहीं थी। वो वहां से बाहर चला जाता है। टीम मेंबर्स जुंगी को उठाते हैं और वो तीनों साथ चलने लगते हैं। डायरेक्टर को कुछ रियलाइज होता है और वो आधे रास्ते से ही वापस आकर रिकॉर्डिंग देखता है जिससे उसे पता चलता है कि जुंगी को इस बार गोली लगी ही नहीं थी। इसका मतलब है कि वो अभी एआई नहीं बना बल्कि जुंगी के रूप में ही घूम रही है। वो इमरजेंसी अलार्म को एक्टिवेट कर देता है। इधर हम देखते हैं कि जुंगी दोनों मेंबर्स को मार देती है। जब लैब में कोई टाइम से नहीं आता तो डायरेक्टर रोबोट्स को लड़ाई के लिए एक्टिवेट कर देता है। यून दूसरी लैब में जाकर मेन सर्वर से अपना डिवाइस कनेक्ट करती है और अपनी माँ के ब्रेन का ओरिजिनल डाटा पूरे सर्वर से डिलीट कर देती है जिससे अब कोई भी उसकी कॉपी नहीं बना पाएगा। अब उसकी माँ का सिर्फ एक ब्रेन है जो कि इस समय उस एआई के अंदर है। जुंगी एक रूम में पहुंचती है जहां वो देखती है कि उसकी तरह दिखने वाले ढेर सारे एआई बन रखे थे। वो उन्हें देखकर थोड़ा कंफ्यूज होती है। तभी वहां रोबोट्स उसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं। उनके बीच काफी देर तक लड़ाई होती है जिसमें जुंगी पहले तो उन्हें मारती है लेकिन आखिर में वो उसका हाथ काट देते हैं। जब वो उसे मारने वाले थे तब तक यून आकर पीछे से रोबोट को डीएक्टिवेट कर देती है और अपनी माँ को बताती है कि वो उसकी हेल्प करने के लिए आई है। बेचारी जुंगी को ये नहीं पता कि वो असल में उसकी बेटी है। रोबोट्स वहां आते ही जुंगी को शूट कर देते हैं और हम देखते हैं कि एक रोबोट यून को लेकर वहां से बाहर चला जाता है। रोबोट्स को कैमरा में देखकर पता चलता है कि यून ने जुंगी का ब्रेन निकालकर दूसरे रोबोट में डाल दिया था। यून उसे अपने साथ ट्रेन में ले जाती है और अपनी माँ से कहती है कि वो हमेशा के लिए यहाँ से कहीं दूर चले जाए ताकि वो फ्री हो सके। लेकिन वहाँ पर डायरेक्टर गन लिए पहले से ही मौजूद होता है। जब जुंगी उससे लड़ने वाली होती है तो डायरेक्टर उसे कहता है कि अगर वो आगे आई तो वो उसकी बेटी को जान से मार देगा। ये सुनकर जुंगी शॉक्ड होती है कि ये उसकी बेटी है। यून कहती है कि उसने उसके दिमाग से अपनी मेमोरी डिलीट कर दी है लेकिन वो उसे शूट कर देता है और जुंगी उसे मारने लगती है। जब उसकी आंख में गोली लगती है और डायरेक्टर को पता चलता है कि वो खुद भी ह्यूमन नहीं बल्कि एक एआई है। पहले तो उसे काफी देर तक यकीन नहीं होता। उसके बाद वो पागलों की तरह जुंगी से लड़ने लगता है और तभी दूसरी ट्रेन से और ज्यादा रोबोट्स वहां आ जाते हैं। वो सब जुंगी को मारने लगते हैं लेकिन जुंगी सबसे लड़ते हुए सभी को मार देती है। काफी देर तक लड़ाई चलती है और आखिर में डायरेक्टर भी ट्रेन के साथ नीचे गिर जाता है जहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। जुंगी यून के पास जाती है। जब वो उसे कहती है कि वो अपना ध्यान रख लेगी, वो उसे यहाँ से जाने को कहती है ताकि वो फ्री होकर जी सके। वो रोती है और अपनी माँ को वहाँ से जबरदस्ती जाने को कहती है। जुंगी आखिरी बार उसके गाल से गाल मिलाती है वैसे ही जैसे बचपन में किया करती थी। यून रोने लगती है और जुंगी वहाँ से भाग जाती है। यून बेचारी फाइनली अपनी माँ को बचा चुकी है। उसकी माँ एक पहाड़ के ऊपर खूबसूरत सनराइज देखती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको पसंद आई तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किए बिना आप नहीं जाएंगे। थैंक यू सो मच।